नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे IRFC की। बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से भाग के गया था और अभी फिर तेज़ी से नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर टेंशन है कि भैया ये 25 पे 20 पे आके रुकेगा या 50 जाएगा। सब पे चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चार्ट एनालिसिस करेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और मैं बता दूँ, ये वीडियो में आप जैसे ही हमारे एक व्यूवर हैं दिलीप कुमार सिंह जी, उनकी रिक्वेस्ट पर लेके आ रहा हूँ। और जो हमारे चैनल पर कुछ एक्टिव जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लगातार कमेंट करते रहते हैं, जो उत्साहवर्धन करते रहते हैं मेरा, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए IRFC नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फिनेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर फिनेंस वगैरह का काम, रेलवे को फिनेंस अवेलेबल कराने के लिए जो मोटा मोटा काम काज है वो इनका इसी का ही है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, इनका एक भी ऑर्डर अगर कुछ ऐसा आता है तो सारी चीज़ें थोड़ा सा पलट जाती हैं और शेयर में उठापटक मच जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा, धैर्य बहुत रखना पड़ेगा भैया इस तरह के स्टॉक्स में। समझता हूँ, आशा करता हूँ आप सब ये समझते होंगे। मार्केट कैप आपको दिख रहा है 40,776 करोड़, बढ़िया है। ROCE आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 15.8%, बढ़िया है, 15% से ऊपर निकल गया है। प्रमोटर होल्डिंग जबरदस्त है, 86.4% प्लस परसेंट आपको जीरो दिख रही, बहुत बढ़िया है। डेट आप देख रहे हैं अच्छा खासा है, 386,733 करोड़ का डेट है और यहाँ पर डेट टू इक्विटी आप देख पा रहे हैं 8.88। जो कंपनियाँ हैं, जो जैसे बैंक्स वगैरह, उनके डेट आपको खूब दिखेंगे क्योंकि ये लोग इसी का ही मेन काम रहता है, तो इससे आपको फिलहाल टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बात करें हाई और लो की, तो लो आप देख रहे हैं 19.03 रुपये और 37.01 रुपये, इसका 10 पैसे हाई है। और आप मानेंगे नहीं, ये वीडियो मैंने तब बनाया था, इस पर मैंने एनालिसिस किया था जब ये 21 रुपये का था, तो तब मैंने इसका बनाया था, इस पर वीडियो बताया था और इसको मैंने कहा था कि आप बाई कर सकते हैं। और देखिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बताया था तो ये इतना भाग गया ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। और अगर कोई वीडियो वाले जो बनाते हैं, यूट्यूबर्स, ऐसा कहते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा सा समझा करिए। ये किसी भी शेयर का कोई भी मूव कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मूव प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म पे रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई कह रहा है कि हाँ मैंने ये मूव प्रिडिक्ट कर लिया था, नहीं ऐसा, ये शेयर मार्केट में मैंने कोई बड़े से बड़ा दिग्गज भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना होगा। बात करेंगे अगर इसके हम प्रॉज एंड कॉन्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे, 4 प्रॉज हैं और 4 ही कॉन्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे अगर हम, तो सेल्स की बात करेंगे सितंबर की, अगर हम बात करें तो 5810 करोड़, सारी वैल्यू देखिए यहाँ पर करोड़ में है ना, तो 5810 करोड़ है। इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करेंगे तो 5627 करोड़, तो वहाँ से आपको जंप देखने को मिला। और सितंबर में 4690 करोड़, यहाँ से भी आपको जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हैं 99% से 100% आपको यहाँ पर पूरा ही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 1714 करोड़, से पहले 1662 करोड़, तो यहाँ से भी जंप। और सितंबर की बात करेंगे 1501 करोड़, से भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करें ईयरली लेवल पे, सारी वैल्यू करोड़ में है। ट्रेलिंग 12 में देखिए जबरदस्त आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अभी से ही 22,465 करोड़, उससे पहले 20,000 करोड़, 15, 13, 11, 9, 9, 7, 6, देखिए लगातार क्या बढ़िया आपको ग्रोथ दिख रही है ऊपर जाता हुआ अपट्रेंड में, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 6462, उससे पहले 6090, 44, 16, 3, 3192 करोड़, तो आप देखिए लगातार क्या बढ़िया अपट्रेंड है। तो मतलब देखिए, मैं यही इसीलिए जब वो मैंने पुराना वाला वीडियो बनाया था उसमें तो यही कहा था, मैंने कहा देखिए सेल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस ये बहुत वोलेटाइल कम होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत होगी। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इस तरह के स्टॉक्स को, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के उस पर रखना चाहते हैं तो सेफ साइड के लिए ये स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एज पर माई पर्सनल व्यूज। बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व भी अच्छा खासा मेंटेन करना, और देखिए लगातार बढ़ा ही रही है कंपनी, 30,481 करोड़, से पहले 27,000 करोड़, से पहले 22, 18, 15, 7, 5, 4, तो लगातार आपको अपटेंड में रिजर्व दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। FIIs और DIIs भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भैया सितंबर में देखिए 1.02 से 1.05, और उससे पहले 3.25 से 3.39, तो यहाँ भैया FIIs और DIIs एंट्री बढ़ा रहे हैं, तो भैया हम लोग क्यों ना बढ़ाएं, है ना भाई, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। लेकिन अब ये है कि भैया कहीं पर भी ऐसे नहीं ले लेना, ये ध्यान रखिए कि पता लगे FIIs ने उठा रखा है 22 रुपये पे, आप उठा रहे हैं 42 रुपये पे, फंस जाएंगे फिर आप। यही सारी चीज़ें तो समझनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भैया इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी फिलहाल कम है, तो ये पॉजिटिव चीज़।
और एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक और बॉन्ड दोनों नहीं, ये भी पॉजिटिव है। और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना एसएम लिस्ट में है ना जीएसएम लिस्ट में है, ये भी पॉजिटिव है। सेक्टर का पी आप देख रहे हैं 22.79 और कंपनी का पी 6.93, तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा, काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा इसके हिसाब से। पीयर्स की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देखिए एक साल में 18.57% रिटर्न, और इसी की बात करेंगे 15.36% रिटर्न। रेल विकास निगम देखिए क्या बेहतरीन पैसा डबल कर दिया भैया इसने एक साल में, 108% के रिटर्न, और क्या बढ़िया भाग भी रहा। और अभी इस पर रेल विकास निगम पर अच्छी न्यूज़ आई है, इसने अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, लगभग 195 करोड़ के आसपास का है, RVNL ने किया जहाँ तक मुझे याद है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक साल में 33% के रिटर्न, तो इसके पीयर्स भी आप देख रहे हैं अच्छे खासे रिटर्न इसने दे रखे हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू 1000 करोड़ में, आप देखिए क्या बढ़िया अपट्रेंड यहाँ पर, और प्रॉफिट में भी देखिए क्या बढ़िया अपट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो भैया पीछे आपने पीयर्स में एक साल देख लिया, इन्होंने भी एक साल में अच्छे रिटर्न दिए, बुरे रिटर्न नहीं दिए, बहुत अच्छे रिटर्न है, 38.27%। देखिए जब आपको ये कम लगे ना तो आप तुरंत सोच लिया करिए कि जो FD होती ना बैंक में, वो एक साल में अब थोड़े रेट बढ़ बढ़ के हमें लग रहा 7% के आसपास आ गया मुझे लगता है, ठीक है। तो FD एक साल में इतना रिटर्न देती है तो उससे आप कंपेयर कर लीजिए कि भैया कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। 6 महीने में देखिए 57%, 3 महीने में 45%, 1 महीने में 8% के रिटर्न लगभग दे रही है, एक साल में अभी एक हफ्ते माइनस हुआ है, और ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 36% के रिटर्न ने बढ़िया दे रखे हैं, और क्या चाहिए। वॉल्यूम देखिए अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, 1 मंथ का एवरेज 16 करोड़, 1 वीक का एवरेज है 11 करोड़। और यस्टरडे की बात करेंगे तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बात हो रही है बृहस्पतिवार बुधवार की, समझ रहे हैं आप, तो 20 करोड़, और टुडे की बात बृहस्पतिवार की है 11 करोड़। ज़बरदस्त यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बात करते हैं चार्ट की, तो देखिए क्या बढ़िया चार्ट, यहाँ तक इतने मूव दिखाया था, उसके बाद धराशायी हुआ, फिर ऊपर गया, फिर हुआ, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, बहुत ही अच्छी अपना इसका ये सपोर्ट है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 रुपये ब्रेक होता है ना, तो आपको फर्दर ये नीचे 27 रुपये के आसपास आता हुआ भी देखने को मिल सकता है, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको फर्दर ये 25 रुपये के लेवल पे भी आते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट में अच्छा खासा एक्सट्रीम प्रेशर है, कोविड का डर बना हुआ है, ग्लोबल क्लूज हैं जो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव बायस के चलते ध्यान में रखनी होंगी कि यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा संभल के कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, तो थोड़ा संभल के, तो ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े दिन मेरे हिसाब से तो इसमें भी रुकिए, अगर ये लेवल टूट के नीचे आता है तो फिर आप 20-25 के रेंज में एंट्री बनाइए, और नहीं तो फिर यहाँ पर थोड़ा इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, और फिर अगर आपको मूव दिखता है तो फिर 35 से ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप एंट्री बनाइएगा इसमें, ठीक है गाइस। बात करें इसके RSI की, तो आपको यहाँ पर 50 का RSI दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। वीकली लेवल पे देखेंगे तो क्या बढ़िया हफ्तों में इसने जंप इतना, देखिए जब कोई शेयर इतना भाग जाता है ना तो आप ये मान के चलिए जो भागेगा वो गिरेगा भी, ऐसा थोड़ी कि भागता ही चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से जब ये इतने ऊपर गया तो भैया प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी ना, ये सारी चीज़ें तो समझनी चाहिए आपको। 69.60 बेहतरीन है यहाँ पर मंथली वीकली लेवल पर RSI बढ़िया है मजबूत, और मंथली लेवल पर अगर RSI की बात करेंगे तो मंथली लेवल पर थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा नहीं, 66.24, और यहाँ पर देखिए क्या बढ़िया पिछले 2 महीनों में जंप दिखाया था, और इस महीने आपको यहाँ पर रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है। तो आशा करता हूँ आप सभी को गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन गाइस ये आप ये मान के चलिए मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ, आपको भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर मत करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, धन्यवाद।